नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सपने में घड़ा देखने का क्या अर्थ होता है और इस सपने के शुभ या अशुभ परिणाम के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप सपने में घड़ा देखते हैं तो यहाँ पर इस सपने की अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है। पहली अवस्था में आप एक सामान्य घड़ा देख सकते हैं जो कि नॉर्मली एक मिट्टी का घड़ा होता है, जो कि पहले समय में पानी को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी बहुत से स्थानों में, खासकर गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल किया जाता है पानी को रखने के लिए। दूसरी स्थिति में आप किसी धातु का आप घड़ा देख रहे हैं या आप ऐसा घड़ा देख रहे हैं जिसके ऊपर काफी चित्रकारी हुई हुई है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तीसरी स्थिति में आप बहुत सारे घड़ों को देख रहे हैं और चौथी स्थिति में आपने देखा है कि जो घड़ा है वो आपके हाथ से छूटकर टूट गया है या आप टूटे हुए घड़े को देख रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों में जो सपने का अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली स्थिति होती है कि आपने जो घड़ा देखा है वो एक सामान्य घड़ा है जो कि नॉर्मली मिट्टी का घड़ा होता है। तो यदि आप एक सामान्य घड़ा देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, आपका जो व्यापार है वो अचानक से चल पड़ेगा। कहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आपके पास अचानक से बहुत अधिक मात्रा में पैसा आना शुरू हो जाएगा और आपको जो धन का लाभ होगा वो जो घड़ा होता है घड़ा भरकर ही आपको धन का लाभ होगा। यानी धन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ये सपना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आप सपने में कोई धातु का घड़ा देखते हैं या आपने घड़ा देखा है उसके ऊपर कोई चित्रकारी हुई हुई है, जैसा अभी आप चित्र में देख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो आपका जो धन है उसमें वृद्धि होगी, आपका जो जो भी आपका बैंक बैलेंस है उसमें बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, यानी आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये सपना भी अच्छा माना जाता है, यह भी शुभ संकेत देने वाला सपना है। अगली स्थिति है यदि आप सपने में देख रहे हैं बहुत सारे घड़े, तो बहुत सारे घड़े देखने का मतलब होता है कि आपका जो, यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके नौकरी के प्रयास फलीभूत होंगे, बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी, या यदि आप नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, और यदि आप ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। यानी सपने में बहुत अधिक घड़े देखना आपको नौकरी के क्षेत्र में, प्रमोशन के क्षेत्र में और नौकरी लगने के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आपको एक अच्छी खबर देने वाला सपना है, तो ये सपना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों अगली स्थिति है, आपने सपने में देखा है कि जो घड़ा है वो टूट गया है, आपके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया है, या आप टूटे हुए घड़े को देखते हैं, तो दोस्तों ये सपना शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको जो धन लाभ होने वाला था वो धन लाभ आपको अब नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके धन लाभ के क्षेत्र में अड़चन आ जाएगी, या आपका जो धन संचित था उसमें भी कमी आ सकती है, यानी ये आपको आर्थिक क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाने वाला सपना है। यानी ये संकेत है कि आपको आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सजग रहने की जरूरत है, आपका डिमोशन हो सकता है या ऐसी जगह ट्रांसफर हो सकता है जहां पर आपको समस्या आ सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सपना जहां एक तरफ शुभ फलों को देने वाला है वहीं दूसरी तरफ अशुभ फलों को देने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।